दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव परिवार में आपका स्वागत है, जिसमें रोजाना आपको नीमच मंडी के भाव की जानकारी दी जा रही है। आज के भाव की बात करें तो तुलसी बीज 12,000 रुपये बिका, कलौंजी 11,901 रुपये ऊपर तक बिका है, ऊटी लहसुन 6551 रुपये तक बिकी है। काफ़ी मालों में लेवाली बढ़िया है और कुछ में गिरावट है, सभी का विवरण समझ लेते हैं। बिल्कुल सही सटीक विश्वसनीय, और अजवाइन में भी कुछ तेज़ी है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। तो दोस्तों तुलसी बीज में तूफानी तेज़ी लगातार जारी है, 12,000 रुपये आज बिकी है और कलौंजी 11,901, 12,000 का हमारा स्तर था, 12,000 छुएगी तो 12,000 के बिल्कुल करीब हो चुकी है। अलसी में भी कुछ तेज़ी है, सोयाबीन अच्छी लेवाली है, सभी जिनसों के भाव देख लेते हैं। लहसुन लगभग देशी आव को ज़्यादा है, 4,901 ऊपर तक देशी माल बिका है, देशी मोटा माल 3,700 से 4,900 बिका है, फुल गोला माल 3,000 से 3,600 तक, लड्डू माल 2,400 से 3,000, मीडियम माल 1,600 से 2,200 और छोटे माल जो छर्री माल 700 से 1,300, आवक 18,000 बोरी के आसपास में रही है और 100 रुपये मोटे मालों में तेज और हल्के मालों में 100 रुपये नरम रहा है देशी मालों में। और ऊँटी की आवकें लगभग बहुत कम है, 500-700 बोरी ऊँटी आवक थी, 6551 ऊपर में बिका है, मोटा माल 4,800 से 5,500 और बढ़िया माल 43 से 5,000, लड्डू माल 3,200 से 4,000, मीडियम 2,400 से 3,200, छोटे 1,600 से 2,200, 700 बोरी ऊँटी की आवक 100 रुपये ऊँटी में तेज देखने को मिला 6551 ऊपर में। तो दोस्तों MP और राजस्थान और UP की आव के मंडियों में आना प्रारंभ हो चुकी है। अप्रैल महीने तक आवकों का वास्तविक मालूम पड़ेगी, अप्रैल महीने में क्या दबाव रहेगा और तेजी मध्य वास्तविकता इसी के ऊपर डिपेंड रहेगी पूरे वर्ष भर की। और कलौंजी 11,901 बिकी, बढ़िया माल 11,600 से 11,900, एवरेज बेस माल 11,200 से 11,600, एवरेज क्वालिटी 10,300 से 11,000, आवक 350 बोरी, बाजार 300 तेज, लेवाली जोरदार, लगातार तेज़ी जारी है और हमने आपको सुबह भाव में क्वालिटी अनुसार सभी चीज़ बताई है। कलौंजी में 12,000 का स्तर पार कर देगी, निर्यात मांग और स्टॉकेट सक्रिय होने से लगातार हम आपको बता रहे हैं, आज 11,900 का स्तर भी कलौंजी ने लगभग छू लिया है और कलौंजी में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसबगुल 9,800 रुपये में बिका, बढ़िया पैकेट माल 9,450 से 9,700, सेमी पैकेट माल 9,200 से 9,400, एवरेज माल 8,500 से 9,100, 1,500 बोरी की आवक है, बाजार 300 रुपये तेज है, लेवाली जोरदार देखने को मिली है। धनिया में हम कह रहे थे कुछ गिरावट का अंदेशा है, आज गिरावट रही है कुछ, 8,470 ऊपर में बिका, बढ़िया माल 7,000 से 8,000, ग्रीन माल ईगल माल 6,300 से 6,700 रुपये, बादामी माल 6,000 से 6,500 क्वालिटी अनुसार, गीले माल जो है एवरेज माल है जो 5,500 से 6,000 बिक रहे हैं, 2,000 की आवक है, बाजार 100 रुपये नरम देखने को मिला और ज़्यादा गिरावट तो नहीं थी मगर कुछ भी नरम देखने को मिला, लेवाली कमज़ोर देखने को मिली है। धनिया में अब ऐसा लग रहा है कि बाजार में स्थिरता आ जाएगी और कुछ गिरावट के साथ स्थिरता आ जाएगी, वापस तेज़ी की उम्मीद, लंबी तेज़ी की उम्मीद दीपावली के आसपास देखने को जरूर मिलेगी। अभी स्थिरता और 200-300 रुपये की गिरावट के आसपास की संभावना नज़र आ रही है। मेथी में बात करें तो ऊपर में 6,299 रुपये मेथा बिका है, एवरेज माल 4,000 से 4,400, पीले माल 4,450 से 4,450 तक बिक रहे हैं, मोटे माल 4,500 से 5,300 रुपये तक और स्पेशल मेथे माल 5,500 से 6,300 तक बिक रहे हैं, पुराने माल 3,800 से 4,100, आवक 1,800 बोरी की रही, बाजार कुछ मालों में 50 रुपये नरम देखने को मिला और ले वाली कुछ मालों में सुस्त रही, बाकी बाजार इतने इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है और नई का प्रेशर नहीं बन पा रहा आवक का, इस वजह से लेवाली जोरदार चल रही है। मेथी में आज कुछ गिरावट दर्ज की गई। अजवाइन में बात करें तो 13,401 ऊपर में बिका है, उनालू माल 10,500 से 11,200 और बढ़िया ग्रीन मोटा माल 10,000-12,000 से 13,000 और देशी माल 11,500 से 12,000, एवरेज माल 8,500 से 9,500, आवक 500 बोरी, बाजार देशी मालों में 200 तेज रहा और उनालू मालों में कुछ 100-200 रुपये नरम रहा, देशी माल 12,000 तक बिके, 2-4 ढेर बिके, काफ़ी अच्छी देशी मालों में लेवाली देखने को मिली है। तो हम आपको लगातार कहते थे अप्रैल में नई फसल आई, 500 की तेज़ी मद्दी बनेगी, प्लस आज 200 देशी में भी तेज हुए तो 700 तक की तेज़ी देखने को मिली है। उनालू में कुछ मद्दा था, देशी में तेज था। असालिया में तूफानी तेज़ी, 3,676 रुपये ऊपर में बिका, बढ़िया माल 3,600 से 3,700, एवरेज माल 3,500 से 3,375, आवक 60 बोरी की थी, बाजार 150 रुपये तेज है, हमने आपको कह रहे थे 200 रुपये की तेज़ी आपको अप्रैल महीने में मिल सकती है, हाल फिलहाल में ही 150 तेज हो गए, अप्रैल में 200-300 की तेज़ी बिल्कुल लगती है, 150 रुपये की तेज़ी आज मिल चुकी है, 3,676 रुपये ऊपर में ढेर बिका है, लेवाली जोरदार है, एक्सपोर्ट डिमांड बनी रहने से लेवाली अच्छी है। दिल्ली की कोई आवक नहीं थी आज मंडी में। तुलसी बीज 12,000 रुपये बिका है दोस्तों, 12,000, बढ़िया माल 11,700 से 11,900, एवरेज बेस्ट माल 11,000 से 11,300, एवरेज माल 9,500 से 10,500, आवक 150 बोरी, बाजार 500 रुपये तेज रहा, 11,800, 11,900, 5-7 ढेर बिके 11,900 तक और निर्यात मांग होने से 1,000 की तेज़ी है, 700 प्लस 200 900 और आज 500 की तेज़ी बता रहे थे और 1,400 की तेज़ी तुलसी बीज में आज तारीख तक हो गई है। विशाल चना 4,100 बिका, कांटा चना 4,004 बिका, बढ़िया विशाल माल 3,950 से 4,050, देशी बढ़िया माल 3,900 से 4,000,
कांठिया चना बढ़िया माल 3900 से 3950 और एवरेज माल 3800 से 3900, चालू माल 3600 से 3700 तक बिक रहे हैं। 1000 की आवक थी, बाजार समान था, कोई तेजी मंदी नहीं, 25-30 रुपये की कुछ तेजी कह सकते हैं, लेवाली जोरदार थी, बाकी बाजार समान है, इतना विशेष फर्क देखने को नहीं मिला है। और 4620 रुपये पर MSP भी खरीदी हो रही है, तो सरकारी खरीदी चालू है, तो किसान भाइयों से निवेदन है सरकार को माल बेचा जाए चना। मसूर ऊपर में 4001 रुपये बिकी, बढ़िया माल 3850 से 3991, एवरेज माल 3700 से 3825, आवक 70 बोरी की रही, बाजार 100 रुपये तेज रहा, लेवाली जोरदार देखने को मिली है। दलहन का भविष्य उज्जवल है अप्रैल मई दोनों महीने में, और 4000 का स्तर हम लगातार कह रहे थे उसने छू लिया है मसूर ने, और 4500 के आसपास भी जरूर बनेगी। डालर चना ऊपर में 5800 रुपये बिका है, बढ़िया माल 5400 रुपये से 5600 रुपये तक, एवरेज माल 4900 से 5300 तक, और छोटे माल जो है वो 4200 से 700 तक बिक रहे हैं। क्वालिटी अनुसार 500 बोरी की आवक थी, 100 रुपये बाजार तेज था, लेवाली जोरदार देखने को मिली थी। सोयाबीन में बात करें तो बाजार लगभग समान है, 3925 ऊपर में बिकी, बढ़िया माल 3870 से 3915, मीडियम माल 3800 से 3850, और चालू माल 3650 से 3750, आवक 7000 बोरी की रही, बाजार समान रहा, और कोई मंदी नहीं है तो कोई तेजी भी नहीं है, मगर लेवाली अच्छी देखने को जरूर मिली है। कुछ मालों में बढ़िया में अच्छी थी, तो एवरेज में कुछ हल्की लेवाली थी। सोयाबीन में लंबी तेजी नहीं है, 3900 के स्तर के आसपास ही रहेगा, और इस स्तर पर माल बेचना लाभप्रद रहेगा, क्योंकि बाजार में कुछ भी गिरावट बन सकती है। अलसी में 50 रुपये की तेजी देखने को मिली, ऊपर में 4300 बिका, बढ़िया माल 4250 से 4300, एवरेज माल 4150 से 4250, 4000 से 4150, 500 बोरी की आवक, बाजार 50 रुपये तेज रहा, लेवाली जोरदार देखने को मिली। रायड़ा ऊपर में 3450 बिका, बढ़िया माल 3430 से 3450, एवरेज माल 3370 से 3400, चालू माल 3300 से 3350, बाजार 50 रुपये नरम रहा, 6600 बोरी की कुल आवक देखने को मिली है। रायड़े में अब ज़्यादा मंदी नहीं दिखती है, 4200 रुपये पर सरकारी खरीदी प्रारंभ है, तो लंबी गिरावट की उम्मीद अब न रखी जाए, 3400 के स्तर पर बाजार स्थिर रहेंगे, और जो 32-33 जो लगातार चल रहे थे वो बाजार अब देखने को कम मिलेंगे, और ज़्यादा गिरावट की आशंका कम दिख रही है। मूंगफली ऊपर में 4400 बिकी, बढ़िया माल 4000 से 4300, एवरेज माल 3700 से 4000, चालू माल 3300 से 3600, आवक 200 बोरी की रही, बाजार लगभग समान है, कोई तेजी मंदी देखने को नहीं मिली है। तारामीरा की बात करें, 4051 रुपये ऊपर में बिकी, बढ़िया माल 4021 से 4050, एवरेज माल की आवक नहीं थी, 4021 से कम कुछ भी नहीं बिका, 30 बोरी की आवक थी, बाजार लगभग समान है। प्याज कांदे की बात करें तो 571 रुपये ऊपर में बिका, बढ़िया माल मोटा माल 450 से 550, एवरेज माल 300 से 450, छोटे माल 100 से 250, आवक 1500 बोरी की रही, बाजार लगभग समान रहा, कोई तेजी मंदी देखने को नहीं मिली है। और दोस्तों जो मैं बात करें तो लेवाली बढ़िया ऊपर में 1694 बिका, बढ़िया माल 1670 से 1690, एवरेज माल 1640 से 1670, आवक 150 बोरी की रही, बाजार 20 रुपये तेज रहा, लेवाली जोरदार देखने को मिली। मक्का की बात करें तो ऊपर में 2150 बिकी आज भी, बढ़िया माल 2130 से 2150, एवरेज माल 2080 से 2100, आवक 40 बोरी की रही, बाजार 20 रुपये एवरेज मालों में नरम देखने को मिला। और अब वर्तमान स्तर की बात करें तो 20 अप्रैल के आसपास में बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि मुनाफा लेना अच्छा है, मक्का की नई फसल बिहार में आएगी, तो 20 अप्रैल के बाद में आपको बाजार मध्य मिलने सकते हैं। ग्वार में लगभग कोई आवके नहीं है, मगर फिर भी ग्वार में 100-200 रुपये की तेज़ी देखने को आपको जरूर मिल सकती है, अभी ग्वार की आवके बिल्कुल नहीं है। उड़द की बात करें तो ऊपर में 4701 रुपये एक ढेर बिका, बाकी 4200 से 4300 मंडी बिकी, एवरेज माल 3800 से 4000 बिके, और हल्के माल 2800 से 3000 तक बिके, आवक 300 बोरी की रही, बाजार 200 रुपये नरम रहा, कल एक ढेर बिका था ऊपर में, तो आज एक ढेर ऊपर में बिका, मगर बाजार 200 नरम। उड़द में कुछ और रुक के बेचे माल मंदी कम दिखती है, 5000 से 55 को इसका स्तर जरूर छुएगा उड़द, तो हाल फिलहाल में मंदी है, बाकी आप रोक के रखिए। जीरा 15020 रुपये ऊपर में बिका, बढ़िया माल 14000 से 15000, मीडियम माल 12000 से 13500, एवरेज माल 10000 से 11500, आवक 20 बोरी की रही, बाजार समान रहा। जीरे में हमारा विश्लेषण है दोस्तों, 500 से 1000 की गिरावट देखने को आपको मिल सकती है बंपर उत्पादन होने से, और जून जुलाई में पुनः तेजी देखने को मिल सकती है। हाल फिलहाल बाजार में गिरावट का अंदेशा है, तो आप मान के चलिए कुछ गिरावट जीरे में जरूर देखने को मिलेगी। पोस्ता 60600 ऊपर में बिका, बढ़िया माल 55000 से 59500, एवरेज माल 49000 से 54000, चालू माल 42000 से 46000, आवक 600 बोरी, बाजार कुछ मालों में 500 तेज रहा, बाकी बाजार समान रहा, कुछ में लेवाली जोरदार थी, बाकी समान देखने को मिला। पोस्तों पे हमारा विश्लेषण दोस्तों, 3 माह से हम लगातार लाइव में कह रहे थे कि बाजार 54 से 59000 के आसपास तब से अभी तक चल रहा है, बाजार में गिरावट तो कम है और तेज़ी भी कम है, तो माल बेचना लाभप्रद रहेगा और माल बेचा जा सकता है, इस भाव में अच्छा है। गेहूँ 2110 रुपये 2210 रुपये ऊपर में बिका, बढ़िया माल सुपर 2050 से 2150, बढ़िया माल 1900 से 2000, एवरेज माल 1800 से 1900, मिल बेस्ट 1720 से 1780, मिल हल्का 1650 से 1700, आवक
मालवरा 1700 से 1800 25,000 बोरी की रही, बाजार 25 रुपये नरम देखने को मिला। गेहूं में लेवाली में इतना जोश नहीं है, बंपर उत्पादन होने से हमने लगातार आपको बताया है कि गेहूं में बाजार मंदा ही रहेगा। गेहूं में लंबी तेजी नहीं, बंपर उत्पादन होने से 500 की गिरावट और देखी जा सकती है। अप्रैल महीने में तक बाजार मध्य ही रहेंगे। आज फिर 25 की गिरावट देखी गई है उसी स्तर में जो हम विश्लेषण लगातार आपको बता रहे हैं रोजाना। असगन ऊपर में 22,000 बिका, बढ़िया माल 18,000 से 20,000, मीडियम माल 15,000 से 17,000, एवरेज माल 9,500 से 12,000, चालू माल 7,000 से 9,000, आवक 450 बोरी की रही, बाजार 500 रुपये तेज रहा, लेवाली जोरदार देखने को मिली है। तुअर में आवकें नहीं थी दोस्तों बिल्कुल भी, और तुअर में भी बाजार लगभग समान है, ऐसी कोई बात नहीं। चिराई तो ऊपर में 1300 बिका, 300 बोरी की आवक थी, बढ़िया माल 1300 से 1500, एवरेज माल 1,000 से 1,200 रुपये। शतावरी की बात करें तो दोस्तों बाजार लगभग समान, 10 बोरी की आवक थी, 15,300 ऊपर में बिका, बढ़िया माल 15,000 से 15,500, एवरेज माल 12,000 से 14,500। लगभग आंवले में ऐसी कोई विशेष आवके नहीं आ रही, बढ़िया माल 9,000 से 10,000 तक बिक सकते हैं। मेहंदी पत्ते में भी विशेष आवके नहीं हैं। और तो दोस्तों सभी जिनसों की आवक और भाव आपको बता दिए हैं, और सफ़ेद मूसली के आप भाव पूछते हैं तो उसका रेट बता देते हैं। आवक नहीं थी, 70,000 से 75,000 के भाव में प्रति क्विंटल के हाल फिलहाल यदि मंडी में माल आता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृषि बाजार भाव परिवार जो निरंतर आपके साथ बना हुआ है, आपका भी सहयोग उसको चाहिए। और मैं दीपक जो रोजाना आपके लिए नीमच मंडी की आवक भाव की जानकारी सभी चीज़ें सही विश्वसनीय प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे भारत में हमारे द्वारा ही सब भाव जाते हैं जो यूज़ होता है। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।